रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के सुरसिंह स्टूडियो में, जहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मशहूर सिंगर सत्यपाल अहलूवालिया जी। अभी उन्होंने एक गीत गाया, तेरे चेहरे में वो जादू है। गीत इतना दिल से गाया और उनकी जो कड़क आवाज है, ये उसके बाद जो तालियां बजी वो इस बात की गवाह थी कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया। सत्यपाल जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी आपने एक गीत गाया, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र हो चुकी है। मैंने इस महीने 75 क्रॉस की है जी। मैं 76वां साल में चल रहा है और अफसोस ये है कि मैं म्यूज़िक सीख ही नहीं पाया बचपन में। कभी बचपन से गा रहा हूँ लेकिन ट्रेनिंग नहीं ले पाया, सुन सुन के गाता हूँ बस। अभी ये जो आवाज़ है आपकी, जो अभी 75 साल की उम्र है और ये कड़क आवाज़, आपने तो गीत गाया तेरे चेहरे में वो जादू है, हम आपसे पूछेंगे तेरी आवाज़ में ये जादू है, इसका क्या राज है? आवाज़ में जादू तो आपको लग रहा है, लेकिन मैं सच पूछो तो मैं पार्किंसन का पेशेंट हूँ और मेरी बॉडी सिर्फ म्यूज़िक की वजह से चल रही है। मेरे को म्यूज़िक ने मेरी लाइफ में 10 साल एक्सटेंड कर दिए, और मैं जब गाना बैठता हूँ ना अपनी छत पे, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे मुझे पता नहीं होता कि टाइम क्या हुआ है, और जब मैं उठता हूँ तो मुझे पता लगता है अरे तो शाम हो गई। तो मैं दिल से गाता हूँ और अपने समर्पित करके पूरी बॉडी को, माइंड और बॉडी दोनों मैं गाता हूँ। मुकेश को गाता हूँ और किशोर को गाता हूँ। ये गाना अभी मेरे को याद आया था, मैंने गाया, मुझे मुकेश का गाना गाना था वैसे। अभी आपने बताया संगीत में, ऐसा क्या है संगीत में कि आप इससे, जैसा आप बता रहे हैं कि बीमारियाँ ठीक भी होती हैं? संगीत एक्चुअली एक मेडिटेशन की तरह है। जब पूरा शरीर आपका सुर में होता है ना, तभी आप गाना गा सकते हैं, वरना आप गाना नहीं गा सकते। ना आपको लय आएगी उसकी, ना आवाज़ निकलेगी आपकी। तो जब सारा शरीर आपका एक पूजा की तरह है, मतलब जैसे भगवान की पूजा में आँख बंद हो जाती है ना, ऐसे गाना गाते हुए मैं मस्त हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता लगता कि मैं गा रहा हूँ, किसका गाना गा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आती है। और इस उम्र में ये आवाज़, ये मुझे मतलब भगवान का वरदान है, समझ लीजिए यार, आप लोगों का आशीर्वाद है जिससे मैं चल रहा हूँ, मेरा शरीर चलता है। बहुत खूब, हमारी दुआएं हैं ऐसे चलता रहे अभी कम से कम 150 साल तक। जो आपने भी गीत गाया, इसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। शुक्रिया, बहुत खूब। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरह से आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें। अभी आपने सुना सत्यपाल जी को कि संगीत में एक ऐसा जादू है जो इससे कि बीमारियां भी ठीक हैं, और ये सही बात है। लोगों ने भी कहा है म्यूजिक इज़ ए थेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन राजेश के साथ वीपी शर्मा, INS जी सर। मैं बचपन से टॉन्सिल्स का पेशेंट था और मैं कुछ खट्टा खाता था तो मेरा गला ख़राब हो जाता था। मैं 6 साल से लगातार गाने गा रहा हूँ, मेरा टॉन्सिल एक बार भी नहीं हुआ, ना मुझे बुखार हुआ। मेरा गला ठीक है, मेरा बीपी ठीक रहता है, मेरे हार्ट भी ठीक है। मैं सिर्फ पार्किंसन से परेशान हूँ, मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं होती उस टाइम, लेकिन जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरे को बीमारी है। ये संगीत का जादू है और मेरे को सुनने वालों का आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप जल्द ऐसे ही स्वस्थ रहें और गाते रहें। कैमरामैन राजेश के साथ VP शर्मा, INS, धन्यवाद।